साथ ही संगठन की बेहतरी और राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर आक्रमण की रणनीति बनाने में अपना सहयोग देंगे। प्रत्येक विधानसभा में अच्छी तैयारी हो, इसलिए कुछ प्रभारी नियुक्त किए हैं, वो अपना काम देखेंगे। 14 विधायक तो हमारे हैं, बाकी जो शेष विधानसभा है वहाँ पर प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। प्रदेश में 2018 से पहले हुए 3 चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत और हार का औसत अंतर 1% ही रहा, लेकिन 2018 के चुनाव में ये अंतर 10% तक पहुंच गया। इसे पाटने के लिए बीजेपी को काफी मेहनत करनी होगी। बीजेपी के मिशन 76 पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले उनकी जीत नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी ने के तरफ से साबित कर दिया गया है कि जनता उनके साथ में है और 2023 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 है। कांग्रेस भूपेश सरकार की योजनाओं के जरिए 2023 में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता नारा भी दे रहे हैं, 2023 में 75 पार। तो इधर बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए मिशन 76 वाला प्लान तैयार कर लिया है। अब देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो मिशन 76 का टारगेट तय हो चुका है और इधर कांग्रेस पार्टी ने भी दावा किया कि अगली बार के यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में कम से कम कांग्रेस पार्टी अपने लिए एक लक्ष्य लेकर चल रही है और वो है 75 सीटों पर जीत का, बल्कि 75 प्लस का टारगेट बताया गया। तो सवाल यही है कि दोनों 75 के ऊपर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ही देर में हमारे साथ में नेता जुड़ेंगे। फिलहाल सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार नेता, वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपने भी जरूर खबरों में इस बात को देखा सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 76 इस पर काम शुरू कर रही और इशारा जाहिर तौर पर 2023 के चुनाव है और जाहिर तौर पर इसमें जो 76 है वो यहां सामने होंगे तो उनसे भी पूछेंगे क्या है, लेकिन उन 76 सीटों पर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं जहां वो अपनी जीत चाहते हैं। देखिए पाठक जी, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक नाम तो सत्ता पार्टी, बिना सत्ता के भारतीय जनता पार्टी बहुत व्याकुल हो जाती है, बिना जल बिन मछली की तरह तड़पने लगती है। तो अगर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में भी अगर ये तड़प है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निश्चित रूप से वो एक राजनीतिक दल है और अपने हिसाब से वो पूरी तरह से जो भी तैयारी उनको करनी है अपने समझ के हिसाब से तैयारी करेंगे जरूर, और करना भी चाहिए, इसमें कोई आपत्तिजनक बात भी नहीं है। मगर दिक्कत यह है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल की जमी जमाई सरकार को उखाड़ा है और जैसा आपने बताया कि 10% मतों का अंतर हुआ छत्तीसगढ़ बनने के बाद, 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव में दोनों दलों के बीच में मतों का अंतर 1 से 1.5% के बीच से ज्यादा का नहीं रहा, मगर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10% कम वोट मिले और कहां मतलब सत्ता में बैठी हुई पार्टी जो है 14-15 सीटों में सिमट गई, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। चलिए वहां तक बात ठीक है, उसको ये कह सकते हैं कि कुछ हवा थी या एंटी इनकम्बेंसी थी, फलाना था हमका था ढमका था, कुछ भी एक बात कही जा सकती है। मगर बात यह है पुनीत जी कि दरअसल में उसके बाद भी जितने भी चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 सालों में, चाहे उपचुनाव हुए हों तो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो तो, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो तो, अगर आप देखेंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता तो मिली नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वास्तविक में एक सक्षम विपक्ष के रूप से भी वो खड़े नहीं हो पाए। सारे नगर निगम हमने जीत लिए, अधिकांश नगर पालिका जीत लिया, जिला पंचायतों को जीत लिया। तो इन परिस्थितियों में आज छत्तीसगढ़ में तो कम से कम मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और कांग्रेस की सरकार ने पिछले 3.5 सालों में जिस हिसाब से काम किया है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए, छत्तीसगढ़ के गांव गरीब और वनवासियों के लिए ढंग से काम किया है, इन सारी बातों को देखते हुए उसका काट खोजना भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत जाएगी। और मैं नहीं समझता कि ये 76 विधानसभा में 76 प्रभारी नियुक्त करें,
या 14 विधानसभा में 14 विधायकों को जिम्मेदारी दें, आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा परिणाम ला पाएंगे ऐसा मुझको तो नहीं लगता। चलिए, कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं लगता, आधिकारिक तौर पर भी ये बयान आया था जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, लेकिन राजनीति में कब कहां किस तरफ करवट जो है बैठ जाए पता नहीं चलता। आपने जिन कामों के आधार पर, जिस मजबूती के आधार के ऊपर ये बात की है, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैनेजमेंट की पूरी तरह से पक्की और माहिर है? जो उनकी नेशनल लीडरशिप है, उसके निर्णय, उनके एन वक्त के ऊपर कई चुनाव में एजेंडा सेट कर देने की महारत्ता, इन सब चीजों से कांग्रेस पार्टी को, सत्ता पक्ष को, चूंकि आप प्रतिद्वंद्वी उनके हैं सीधे सीधे, क्या आपको निश्चित तौर पर उससे अवेयर नहीं रहना चाहिए? क्या आप अवेयर हैं तो क्या तैयारी होगी इस मिशन 76 के सामने? नहीं, अवेयर तो है, अवेयर रहना भी चाहिए। अगर दुश्मन को कभी कमजोर, विपक्षी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, दुश्मन शब्द सही नहीं है, और हम पूरी तरह से अवेयर है। देखिए, लगातार हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, चुनाव के पहले तो सबका साथ, सबका विकास, महंगाई घटाना है, पेट्रोल डीजल के रेट कम करना है, और बेरोजगारी को खत्म करना है, किसानों की आमदनी दुगुनी करना है, देश की सुरक्षा को मजबूत करना है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मगर वास्तविक में जब चुनाव का समय आता है तो फिर वो कब्रिस्तान और शमशान और हिंदू और मुस्लिम, हिंदू धर्म खतरे में है, इस तरह की सब सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर करती है, और लोगों के अंदर के जो एक जो भावुकता है, जो धार्मिक भावुकता है, उसको उभार करके उसका लाभ उठाने का प्रयास करती है और सफलतापूर्वक प्रयास करती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मगर पाठक जी, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के जो जो परंपराएं हैं, छत्तीसगढ़ की जो व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या का अनुपात है या धर्म का जो अनुपात है, इन सारी चीजों में ये इस तरह के हथकंडे काम आएंगे नहीं आ सकती, ये बात को तो कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से समझ जाना चाहिए। आज जब आदिवासियों को उनके जमीन के पट्टे मिले, उनकी जमीन वापस हुई, उनके वनोपज की उनको कीमत मिल रही है, तेंदू पत्ता का कीमत मिल रहा है जी, उनको। चलिए, आप माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ बीच में, आप जिन कामों को गिना रहे हैं इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप कहते हैं कि उनका अपना एक फिक्स एजेंडा है, उनका अपने एक सूटेबल पॉलिटिक्स का एक तरीका है, क्या उससे भी हम निपटने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर? मैं आपके पास वापस लौटूंगा। भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही युवा, ऊर्जावान, तेज तर्रार नेता हमारे साथ जुड़ गए, ओपी चौधरी साहब। ओपी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका 24 पर इस चर्चा में। क्या आपको लगता है ये मिशन 76 के ऊपर चर्चा चल रही, क्या है ये मिशन 76 और क्या ये वर्क करेगा, काम करेगा सत्ता वापसी के लिए? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन पर काम करने वाली पार्टी है। 365 दिन लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, और जो जहां तक आप प्रभारी बनाए जाने की बात कर रहे हैं, तो ये संगठन की एक सांगठनिक रणनीति का हिस्सा है। जो हम देखते हैं कि जिला के भी हमारे प्रभारी होते हैं, प्रदेश के भी प्रभारी होते हैं, मंडलों के प्रभारी होते हैं, शक्ति केंद्र पे अलग संरचना है, इसी तरह से विधानसभा पे एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है पार्टी ने, तो एक सांगठनिक रणनीति का हिस्सा है, और ये सतत रूप से कार्य करने वाली पार्टी है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि आजादी के बाद कैबिनेट मंत्री के कुर्सी के पद को छोड़कर महज 10 लोगों के साथ चालू की गई पार्टी थी, और आज 300 से अधिक सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चला रही, तो एक सांगठनिक रणनीति का यह हिस्सा है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आततायी सरकार है, जिस तरह से माफिया राज चल रहा है, कोयला में माफिया, शराब में माफिया, रेत में माफिया, सीमेंट में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, हर जगह माफिया राज है, हर जगह भ्रष्टाचार है, ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा एक तबादला उद्योग चल रहा है, इस तरह की जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई हैं, उसको छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और उसी लड़ाई को, विपक्ष की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़के 2023 में हम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित करेंगे और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करेंगे। और शायद 2023 वो वर्ष हो सकता है कि हम अच्छे से प्रयास करके छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को बाहर करेंगे, और राजस्थान का भी चुनाव होगा और बीच के भी चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी, तो 2023 कांग्रेस मुख्यमंत्री मुक्त भारत बन सकता है, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। चलिए सुरेंद्र जी, अब इस पर उत्तर दें, कांग्रेस मुख्यमंत्री मुक्त प्रदेश और देश में
देखिए ओपी चौधरी जी जो है पहले ब्यूरोक्रेट रहे हुए आदमी है और भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ समय से वो काम कर रहे हैं जी। मैं एक बात कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये बात तो भूल ही जाना चाहिए कि देश कांग्रेस मुक्त हो सकता है। एक व्यक्ति भी अगर सामाजिक समरसता पर विश्वास रखता है तो समझ लीजिए वहां कांग्रेस खड़ी है। एक व्यक्ति भी अगर दीन दुखियों की बात के प्रति उसकी संवेदना अगर जागृत है तो समझ लीजिए वहां कांग्रेस खड़ी है। तो कांग्रेस को खत्म करना मतलब समझ लीजिए ये तो कल्पना के राजनीति में सत्ता का चले जाना इसका मतलब कांग्रेस का खत्म हो जाना थोड़ी होता है। छोटा सा सवाल मैं आपको रोक करके चौधरी जी पूछूं, चौधरी जी ये जो मिशन 76 है इसका प्लान क्या है? ये कांग्रेस मुक्त बनाने वाला प्लान है या अपना चुनाव जीतकर अपनी जमीन वापस पाने का प्लान है? देखिए आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि जिस तरह से देश में कांग्रेस का राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हुआ है क्योंकि ये पार्टी परिवारवाद के चंगुल में फंस गई। ये पार्टी हो कांग्रेस, ये कांग्रेस हो कांग्रेस नहीं है जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वो तो गांधी जी भी चाहते थे कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना चाहिए और कांग्रेस को सेवा के संस्थान के रूप में बदल देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस में सभी प्रकार के विचारधारा के लोग काम करते थे, वामपंथी भी थे, गरम दल थे, नरम दल भी थे। देखिए कांग्रेस मुख्यमंत्री मुक्त भारत हम चाहते हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति कांग्रेस पर भरोसा करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति रहे, मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन कांग्रेस सरकारों से मुक्त, क्योंकि आज पूरे देश भर में केवल दो राज्यों में देश में तो देश की राजनीति में तो विपक्ष का कभी अहर्ता अर्जित कांग्रेस नहीं कर पा रही है, 10% सीट भी नहीं ले पा रही है। और देश की बात हम करें तो कोई भी ऐसा इसी दावे पर बात कर लेंगे और ये आपके आने के पहले एक चर्चा का विषय था कि अब तक छत्तीसगढ़ में जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें 10% का अंतर ये 2018 में रहा था, ये एक बड़ा गैप था जबकि पहले 1 से 1.5% का फर्क था। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, गैलेक्सी लॉन्च, हेयर स्किन मेकअप एंड एकेडमी। रायपुर शहर में मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट एवं एकेडमी के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान। MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, असली मसाले सच सच। MDH संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर व पेट स्कैन के लिए संपर्क करें। नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। उकाया का 1,75,000 वाला फास्ट स्कूटर अब सिर्फ 1,09,000 में। और गोयल TMT डटे हैं उसूलों पर। कैसी हसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन। खोलो ढक्कन डूबी डूबी डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर पतली पतली डिलिशियस। जश्न का जश्न, जश्न का जश्न। राजश्री इलायची दशन का जश्न। दिल्ली की सबसे विश्वसनीय स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक स्किन रूट्स अब रायपुर में। एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम से अत्याधुनिक तकनीक द्वारा रायपुर में ही हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर ट्रीटमेंट एवं चर्म रोग की सभी समस्याओं का इलाज संभव। स्किन रूट्स स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, शंकर नगर रायपुर। इजरायली तकनीकी अस्त्र बरोस, कीटनाशक जबरदस्त बरोस। बरोस की हर कण में है अपार शक्ति, धान में होने वाले तना छेदक की नुकसान से मुक्ति। पूर्ण सुरक्षा देता है जो बरोस से है भरोसा, हमको अदामा का अस्त्र है बरोस। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देख कर ही खरीदे, आसे वाह क्या बात है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मंजिलें हो चाहे जितने पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी,
करगी रोड कोटा बिलासपुर। एक संकल्प करोड़ों के भरोसे का, एक संकल्प निरंतर सफलता का, एक संकल्प नित नई कामयाबियों का, और एक संकल्प मजबूती का, और रिश्ता सदियों का। नाकोड़ा TMT। सिंघानिया बिल्डकॉन पेश करते हैं स्पेशल मॉनसून ऑफर। बुक करें प्लॉट फ्लैट या घर और पाएं तीर्थ यात्रा ऑफर्स। उत्तराखंड चार धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश धाम। सीमित अवधि की पेशकश 15 जुलाई से 15 अगस्त तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल था, जो ये 10% का जो फर्क है, जिस तरीके से अभी तक आपने चुनाव का सारी स्टडी की होगी, रणनीति आप बना रहे हैं, जो आपका मिशन 76 है, इसमें इस अंतर को आप कैसे पाटेंगे? सबसे मजबूत स्थिति में जहां कांग्रेस है, वहां पर क्या ये स्वप्न है या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी बना ली है बीजेपी ने? देखिए, मिशन 76 विधानसभाओं में जो प्रभारी नियुक्त करने की बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा है, वह कोई मिशन 76 है या ऐसा कुछ विषय नहीं है। उसमें सभी 90 सीटों पर फोकस किया जा रहा है। कई जगह हमारे 14 जगह विधायक हैं, तो वहां पर उनको कई जगह जिम्मेदारी दी गई। ओवरऑल 90 सीट पर काम चल रहा है, उसके लिए सांगठनिक रूप से रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है पाठक जी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, आपने कहा कि 10% का अंतर, तो उससे मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया, अटल जी ने गठन किया, उसके बाद लगातार 3 चुनावों तक हैट्रिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और 15 सालों के बाद ये इस तरह की स्थिति निर्मित हुई। तो उसको लेकर 15 सालों के बाद किसी सरकार का जाना बहुत बड़ा विषय लोकतंत्र में नहीं हो सकता। जन आकांक्षाएं कई बार बहुत ऊंची हो जाती हैं। आजकल रिसेंट पॉलिटिक्स में, आजकल के सामयिक राजनीति में 15 सालों तक लगातार किसी सरकार के चलने को उदाहरण खोजेंगे तो बहुत बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो एक बड़ी सफलता थी। और आज जिस तरह से माफिया राज चल रहा है, जिस तरह से कोयले में लूट मची हुई है, सब कोई प्रदेश देख रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसी परिस्थितियां हैं एक ओर। और दूसरी तरफ कांग्रेस में आप देख रहे हैं कि एक मंत्री खुद खुलेआम चिट्ठी लिख रहे हैं, टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी उनके कांग्रेस के मोहन मरकाम जी खुलेआम बोल रहे हैं। तो जो कैबिनेट होता है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है भारत के संविधान में। और कोई अगर मंत्री एक बयान देता है तो मंत्री मात्र का बयान नहीं माना जाता, वो पूरी सरकार का बयान माना उत्तर जाता दे सकते हैं। टीएस सिंहदेव जी खुद बोल रहे हैं कि मैं गरीबों का घर नहीं बना पाऊंगा। हम लोग तो आरोप लगाते रहे कि 8 लाख लोगों का घर, 16 लाख लोगों का घर, चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। ये इसको, ये जो हमारा आंतरिक मामला है, इसको तो कांग्रेस पार्टी अपनी बातचीत से उसको सबको समस्या को समाधान कर लेगी। और दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी अधिक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए मुखर होकर बोलने की छूट रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वो 10% के अंतर को कैसे पाटेंगे। जहां तक 3 बार आपने सरकार बनाई, ये बात बिल्कुल सही है, मगर 3 बार आप 1.5% से कम मतों के अंतर से सरकार बनाने में सफल हुए। और उसको उसके पीछे जो बहुत महत्वपूर्ण कारण था, उसको भी सभी लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ करता था। दरअसल भारतीय जनमानस जो है कांग्रेसी जनमानस है, और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य मुद्दे हैं पाठक जी, उसमें जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में रामायण प्रतियोगिता करवाई, जनपद में करवाया, चौधरी जी इस बात, और राम वनगमन पथ बनवाया, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं कहने के लिए। तो जा करके जाए, अच्छा है, मेहनत करें जी। चौधरी जी बात है जी, हम तो यही चाहेंगे पाठक जी कि आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी जैसे बोल रहे हैं, कांग्रेस इसी गुमान में बैठी रहे कि हम 10% ज्यादा वोट पाए हैं, इसी गुमान में बैठी रहे कांग्रेस हमारे लिए अच्छा है। और लेकिन मैं यही बोलना चाह रहा हूं, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, पूरा देश देख रहा है कि कैसे एक परिवारवाद के चंगुल में फंसी हुई पार्टी बन गई है कांग्रेस। बड़ा दुख होता है इस देश की पार्टी के साथ होते हुए, भारत के लोकतंत्र के लिए अपोजिशन ऐसा हो, विपक्ष भी ऐसा हो, ये बड़ा दुखद विषय होता है। ऐसी स्थिति में जब ये भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, कांग्रेस के अंदर की राजनीति अपने चरम पर है, 10% के गुमान में बैठे रहे, हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ महतारी को आगे बढ़ाने के लिए और भारत देश को परम वैभव के शिखर पहुंचाने के लिए हम लोग सतत संघर्ष करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे।
आवश्यकता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो है नरेंद्र मोदी जी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत करता है क्या? चलिए खैर, जिन्हें पार्टियों के आंतरिक मसले बताए जाते हैं, जब सार्वजनिक मंचों पर इनकी चर्चाएं आ जाएं, पब्लिक डोमेन में आ जाएं, तो जरूर इस पर चर्चाएं होती हैं, कोई भी पक्ष हो। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ के लक्ष्यों पर पार्टियां काम कैसे करती हैं और किस अंदाज में जनता तक अपनी पहुंच बनाती हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार। This program was brought to you by Shri Rawatpura Sarkar University Raipur. Admission open, जहां आपको मिलेंगे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, जर्नलिज्म जैसे कोर्स। 200 बिस्तरों का सर्वसुविधायुक्त श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल विगत 11 वर्षों से आपकी सेवा में। न्यू राजेंद्र नगर, अमली जी रायपुर। आरवी मसाले, स्वाद शुद्धता का विश्वास परंपरा का एक बार जरूर आजमाइए आरवी मसाले। भारतीय विश्वविद्यालय विगत 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी। पंडित हरिशंकर शुक्ल मेमोरियल कॉलेज कचना रायपुर। एडमिशन ओपन बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीए, बीपीई। जैन चुस्की चाय हर पल ताजगी का एहसास दिलाए, एक कप चाय और हो जाए। जैन चुस्की चाय आपके विश्वास का प्रतीक, अब अपनी शाखा के साथ अग्रवाल आभूषण न्यू राज टॉकीज के सामने, खरोरा रोड तिलता और नाकोड़ा टीएमटी। संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदियों का। दशन का जशन। दिल्ली की सबसे विश्वसनीय स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक स्किन रूट्स अब रायपुर में। एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम से अत्याधुनिक तकनीक द्वारा रायपुर में ही हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर ट्रीटमेंट एवं चर्म रोग की सभी समस्याओं का इलाज संभव। स्किन रूट्स स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, शंकर नगर रायपुर। इजरायली तकनीकी अस्त्र भरोस, कीटनाशक जबरदस्त भरोस। भरोस की हर कण में है अपार शक्ति, धान में होने वाले तना छेदक की नुकसान से मुक्ति। पूर्ण सुरक्षा देता है जो भरोस से है भरोस, हमको अदामा का अस्त्र है भरोस। ITM University, providing world-class quality education since 10 years. Programs offered, management, engineering, hotel management, law, commerce, information technology, allied science, architecture. My journey has been beautiful at ITM. ITM is the best experience of my life. Happy learning at ITM. Admissions open, 2022. Har khet ma jhume hariyar bali, har dwar ma sajge neem ke dali. रावत है लई काशिया, बैला नांगर पूजे के ये परब महान। हंसी की ठोली फुगड़ी खेले सखी सहेली नाचे गावे, आगे है हरेली तिहार। पत्ता में बढ़े मजूरी, वनवासी के खेत बाँच गए। न्याय योजना मन आए वो छत्तीसगढ़ के भाग जाग गए। पुरखोती के मान
मान रखे बर मुखिया जी धन्यवाद है। गढ़ गुनवा छत्तीसगढ़ के प्रण शपथ ले अब तक याद है। गांव के संसाधन व संस्कृति को आर्थिक विकास से जोड़ने का अभिनव कार्य किया है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने। विकास के इसी क्रम में अब हरेली पर्व से राज्य के प्रत्येक जिलों के चयनित गौठानों में 4 रुपया प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी करने की शुरुआत होने जा रही है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। इतना ही नहीं, हरेली तिहार की परंपरा को नया आयाम देने सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में गेड़ी नृत्य व गेड़ी दौड़ का भी आयोजन किया है, जिससे हमारी पारंपरिक विरासत और समृद्ध हुई है। आगे है हरेली तिहार। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the eye. I am Ikfai. Belief called I. Welcome to the eye. The Ikfai. कौन नया खिलाड़ी आया है? समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। चौदह जनवरी 2024 को खत्म होगा राम भक्तों का इंतजार। इसी दिन अयोध्या के नए मंदिर में विराजेंगे रामलला। विश्व परिषद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने आईपीएस 24 को दी जानकारी। मध्यप्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का दबदबा, 51 में से 42 जिलों में जीत का दावा। कांग्रेस के हाथ 9 जिले, कई जगह बवाल। दिग्गी पर पुलिस ने से मारपीट का आरोप। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने खारिज की सिंधिया के खिलाफ दायर अपील। राज्यसभा चुनाव के नामांकन में जानकारी छिपाने का था आरोप। बीटेक छात्र निशंक राठौर की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। निशंक की मौत हत्या नहीं, सुसाइड। साइबर सेल ने एसआईटी को सौंपी रिपोर्ट। मृतक के मोबाइल से भी नहीं हुई छेड़छाड़। बुजुर्ग से मारपीट करने वाला सिपाही अनंत शर्मा पर एक्शन। रीवा एसपी ने किया सस्पेंड। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग से मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। और इंदौर में फूड डिलीवरी बॉय की चाकू से गोदकर हत्या। डिलीवरी के लिए जाते समय रास्ते में बदमाशों ने रोककर मांगे पैसे, इनकार करने पर ली जान। नमस्कार। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन